हाय एवरीवन, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल गार्डन। आज मैं आपको बताती हूँ कि गर्मियों के कारण जो मेरे लोटस में प्रॉब्लम हो रही है वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सारे टब्स में आप देख सकते हैं कि लोटस के जो लीफ है वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी के कारण ऐसे बर्न से हो गए हैं। आज 2 मई का दिन है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, एंड अभी तो आपको मैं दिखाती हूँ मेरे जो भी लोटस हैं, जितने भी हैं सबका यही हाल है। ऑलमोस्ट वाटर लिली के साथ भी सेम हो रहा है कि वो जल जा रहे हैं। ये छोटा सा फ्लावर इसमें आया हुआ है, इसके अलावा कोई भी प्लांट में अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। उल्टा जो लीफ है वैसे बर्न आउट से दिख रहे हैं और उनकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही है। ऐसे सिचुएशन में मोस्ट ऑफ दी जो लोटस ग्रो करने वाले होते हैं, जो नॉन एक्सपीरियंस होते हैं, जिन्हें गर्मियों की ज़्यादा आदत नहीं होती है, उन्हें पता नहीं होता है गर्मियों के बारे में, वो बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हो गया, क्यों ये बर्न हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और हवा में ह्यूमिडिटी नहीं होती है तो ऐसे कंडीशन में लोटस के लीफ ऐसे बर्न हो जाते हैं। हालाँकि रूट्स और जो ट्यूबर्स होते हैं इनसाइड वो ठीक ठाक रहने पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस दौरान आपको जो करना चाहिए वो ये है कि वाटर जो है, देखिए यहाँ पे मैं पाइप से फिल कर रही हूँ, तो वाटर पूरा भरा हुआ होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो टब है वो इस तरह से सूखे हुए रहे या इस तरह से उनमें कम पानी रहे। अगर ऐसा होता है तो फिर इसमें ह्यूमिडिटी नहीं बनेगी और ह्यूमिडिटी नहीं होने पर प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। इस तरह से पत्ते सूख जाएंगे और ना तो लोटस बढ़ेगा ना उसका ट्यूबर बढ़ेगा, क्योंकि इस मौसम में से स्लो स्लो बढ़ रहा है, पर बढ़ना चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल भी पानी पर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा कुछ सूखने जैसा हो जाएगा और सूखने के कारण प्लांट नहीं बढ़ेगा और उसमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती है, हेल्थ उसकी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो आपको पानी को बिल्कुल भर के रखना है। देखिए यहाँ पे इसमें एकदम थोड़ा सा पानी बचा है, बहुत सारे इसमें मार्सीलिया उगाए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पानी भर के रखना है। ये देखिए ये वाला टब बिल्कुल खाली हो गया है, हालांकि हम हर 2 दिन में इस टब को भर रहे हैं, फिर भी गर्मी इतनी पड़ रही है कि पूरा पानी इवॉपरेट हो जा रहा है। तो आपको इस चीज़ का स्पेशली केयर करना है कि वाटर भरा हुआ होना चाहिए। सेकेंड चीज़, अगर आप इस तरह के ब्लैक बर्न आउट्स देखते हैं तो आपको पानी का जो है पानी को चेंज करते रहना है, सो दैट गर्मी के कारण अंदर जो है कुछ भी सड़ ना रहा हो और पानी का पीएच है वो बिगड़ ना रहा हो। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, गर्मियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोटस की जो आती है, जब वो इस तरह से घने हुए लोटस रहते हैं तो आप पत्तों को जब हटा के देखते हैं, ये देखें, तो आपको दिखता है यहाँ पे एफिड अटैक्स। तो आप, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें जो है एफिड्स या माहों जिन्हें हिंदी में बोलते हैं, उनका अटैक्स चालू हो जाता है और ये पूरा रस जो है चूस लेते हैं, जिसके कारण पत्तियां इस तरह से जल जाती हैं। और ये है रेड एफिड्स हैं, स्पाइडर जैसे छोटे छोटे से दिख रहे हैं। तो ये एफिड्स आपको पता नहीं चलेगा, ऊपर से सारी पत्तियां इस तरह से हेल्दी हेल्दी से दिखेंगी और जब आप पत्ते हटाएंगे तो अंदर में आपको दिखेगा कि वाकई में क्या चल रहा है। तो एक दो बार आप इस तरह से पत्तियां हटा के ज़रूर देखें, क्योंकि छाँव मिलते ही गर्मियों में ये एफिड बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं और इस तरह से अंदर अंदर ही फैलते हैं, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और जब आपको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी, पौधे की हालत बहुत ख़राब हो चुकी रहेगी। तो आप एफिड अगर आपके यहाँ आ रहे हैं तो पत्तों को हटा के ज़रूर देखें और नीम ऑयल का छिड़काव ना करें, लोटस को नीम ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं होता है। उसके बाद उसमें रॉटिंग का बहुत फिनोमिना देखने को मिलता है, तो अगर आप नीम ऑयल की जगह कोई लाइट सा इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं तो उसे बहुत कम मात्रा में यूज़ करें और 30 मिनट तक रखें और 30 मिनट बाद आपको पानी को चेंज कर लेना है। तो शाम के वक्त अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, आपको धूप में खड़े नहीं होना पड़ेगा मेरी तरह। तो इसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, पानी पूरा भर के रखें ताकि थोड़ी बहुत जो स्टॉक है जिसमें एफिड हो रहे हैं वो पानी ज़्यादा होने के कारण चले जाए और प्लांट को परेशान ना करे। तो एफिड का आपको अभी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम आती है। ठंड में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अभी तो बिल्कुल ये एफिड्स काफ़ी परेशान कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ से देख रहे होंगे तो आपको तो दिख भी नहीं रहा होगा, ऐसा लग रहा है ज़्यादा एफिड्स नहीं है करके, लेकिन
अगर आप एक दो पत्ते भी हटाएंगे तो आपको अंदर में पता चलेगा कि बहुत सारे एफिड्स ने अंदर अटैक कर रखा है और पत्तों पे वो बिल्कुल चढ़ गए हैं और सारा न्यूट्रिशन चूस रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये सिर्फ एक कॉमन सा प्रॉब्लम है जो मैं अभी गर्मियों में फेस कर रही हूँ। और थोड़ा सा अगर आप चाहें तो अपने लोटस को उस तरह से हाफ शेड एरिया में रख सकते हैं जहाँ सुबह की धूप आए और शाम की धूप आए और दोपहर की धूप ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और मैंने जैसा बताया ह्यूमिडिटी लो होने के कारण और बहुत टेम्परेचर होने के कारण पत्तों में बर्न का प्रॉब्लम आ रहा है। जहाँ थोड़ा सा छाँव होगा वहाँ के लोटस अच्छे से बढ़ रहे होंगे, और ये वैरायटी पर भी डिपेंड करता है। कुछ वैरायटीज़ धूप सह सकती हैं, पिंक क्लाउड में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे रेड पियोनी काफ़ी जला हुआ दिख रहा है, और ग्रीन जो एप्पल लोटस है यहाँ पे उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं दिख रही है। तो इस तरह से वैरायटी टू वैरायटी पत्तों में बर्न की प्रॉब्लम भी दिख रही है और उस हिसाब से वो बढ़ रहे हैं। तो अलग अलग वैरायटीज़ में अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है, और हो सकता है ना भी मिले, ये आपके यहाँ के टेम्परेचर और धूप पे डिपेंड करता है। तो आप पौधे की हेल्थ देखकर आपको आगे क्या करना है उस बारे में डिसाइड करें, यही सबसे बेस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।